हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट 5 करेंगे, जिसमें जनरल साइज के हम एमसी यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि इससे पहले हमने अभी तक हमने अपने 4 पार्ट्स, जिसमें हमने साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं, जो JKSSB के प्रीवियस ईयर आस क्वेश्चन थे। सो गाइस, अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा JKSSB जनरल साइंस, उस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी बहुत सारी MCQs मिलेंगे। बट इनको कंडक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो JKSSB के प्रीवियस ईयर्स आस क्वेश्चन हैं। तो गाइज, इनको ज़रूर वॉच करें और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। जो आज का हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं जनरल साइंस का, वो काफ़ी पुराना है, 2016 का है आई थिंक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो JK प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करो, इसी तरह की वीडियो की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तो को मिल जाएगी अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी उनको ज्वाइन कर लो, तो ताकि आपको कोई भी अपडेट जो हो आप मिस ना कर पाओ, रिलेटेड टू JKSSB हो चाहे कोई भी अपडेट हो। सो गाइज, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन को आप एज ए प्रैक्टिस भी ले सकते हो और यहाँ पे आप कुछ सीख भी सकते हो, ठीक है, कि JKSSB किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। स्पेशली तो ये JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हैं और यूनियन सुपरवाइजर सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके सिलेबस में जनरल साइंस है तो आप इनको देख सकते हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में होंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो आज पूरा दिन में कोई वीडियो नहीं आ पाई, थोड़ा मैं बिज़ी था इसलिए, तो सोचा कि एक वीडियो बना लें जो आपको रात को 9 बजे प्रोवाइड करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। सो गाइज, जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज सच एज कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस। इनमें से कौन सी एक जो ऑप्शन है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिम्मेदार रहता है कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस डिजीजेज के लिए, जॉन्डिस के लिए। तो गाइस, वो है आपका वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की वजह से ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ओके। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन इज स्टोर्ड इन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका एंडोसाइन ट्रिफोस्फेट है, ओके, ट्रिफोस्फेट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये आपके सिलेबस में है, द ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम दैट इज मेंट टू जनरेट पावर इज मोस्ट सुइटेबल इन। तो ये कौन से मतलब कि रीजन में सुइटेबल रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है जनरेट करने में पावर, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन सिस्टम। तो ये मोस्टली जो सुइटेबल रहता है तो ट्रॉपिकल रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा में होता है। तो JKSSB इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं SSC हो गया, JKSSB हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो ले लो, आपको ये क्वेश्चन पूछता ही पूछा जाता है। तो ज़रूरी नहीं है इस बार पूछे, पर काफ़ी जो मुझे लगता है कि जो JKSSB क्लास 4 के एग्ज़ाम हुए उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर इन विच द एजोन लेयर लाइज इन सी। तो जो लेयर होती है एटमोसफेयर की, उसमें कौन सी एजोन लेयर, कौन सी एटमोसफेयर की लेयर में एजोन लेयर की लाई करती है, ठीक है। तो वो करती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, ये सभी को इसका आंसर पता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेचुरल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स, ओके, यहाँ पे सारा सिस्टम कंसिस्ट करता है ऑल प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनी एरिया, फंक्शनिंग टुगेदर विद नॉन लिविंग भी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इको सिस्टम, ओके। अगर आपने इकोलॉजी ये चीज़ें वगैरह पढ़ी होंगी तो ये सारे के सारे मीनिंग आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, इको सिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होती है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद बोलता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयले लॉ, इफ़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ए सर्टन गैस इज डबल्ड। तो बॉयले लॉ क्या कहता है, बॉयले लॉ कहता है कि द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी हाल्व्ड, ओके, इसका ये ऑप्शन है। उसके बाद द मेजर ऑफ हाईनेस और लोनेस, ओके, ए म्यूजिकल टोन और साउंड इज कॉल्ड। देखिए, हाईनेस और लोनेस म्यूजिक की टोन को मेजर करने की इस प्रोसेस को कहते हैं लाउडनेस, रिमम या पिच इंटेंसिटी, तो उसको बोलते हैं हम पिच, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ लो, क्या पता JKSSB एक क्वेश्चन ही, अगर आप मेरी 5 वीडियो देख लो, 2 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं तो काफ़ी आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। वाई डू फूड चेन्स एंड फूड वेब स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट। तो फूड चेन्स और फूड वेब जो होती है ये ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट क्यों होती हैं दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
बिकॉज प्लांट्स कैन अब्जॉर्ब द सन एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, क्योंकि प्लांट्स हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं सन एनर्जी को फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसीलिए फूड वेब और फूड चेन उधर से ही स्टार्ट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लिटल लीफ इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ, लिटल लीफ है जो एक किसकी डिफिशेंसी से ये होती है, तो दोस्तों ये होती है आपकी जिंक की वजह से, ठीक है, जिंक की वजह से। उसके बाद एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल बाय फिटिंग, दोस्तों जो एयर पोल्यूशन हो रहा है ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ी व्हीकल्स द्वारा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय फिटिंग, किस चीज़ को, साइक्लोनिक सेपरेटर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को, कैटालाइटिक कन्वर्टर को, या वेट स्क्रबर को, स्क्रबर को। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो आपका कैटालाइटिक कन्वर्टर के साथ हम इस चीज़ को कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑटम इज़ कंसंट्रेटेड इन दी, तो जो मोस्ट मास होता है ऑटम का वो कंसंट्रेटेड रहता है आपका न्यूक्लियस में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब पासिंग एनी पॉइंट इन द सर्किट एवरी सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम जो बॉडी में कमी रह जाती है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी के कारण हो सकती है, तो वो हो सकती है आपकी विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वाटर डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है जो वो होता है आपका 22 मार्च को, ओके 22 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द करंट इन ए सर्किट इक्वल्स टू 0A, इट इज़ लाइकली दैट टू द सर्किट टू ओपन, ठीक है, इसका ये मतलब है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट प्रोड्यूस पावर, इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी इफेक्ट है फोर्स ग्रेविटी का जो प्रोड्यूस करता है पावर, न्यूक्लियर, बायोमास, कोल, या टाइड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपकी टाइड्स हैं, ओके। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल्स टू प्रोड्यूस लेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न, तो इनमें से कौन सा ऐसा एक फ्यूल प्रोड्यूस है जो कि जिसको जलाने पर वो CO2 कम प्रोड्यूस करता है, तो वो आपकी नेचुरल गैस, ओके, नेचुरल गैस जो होती है उसको अब जलाओगे, बर्न करोगे, तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम देगी। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या क्या होता है ये आप सभी को पता है, जैसे मैंने ओजोन लेयर के बारे में बताया था, अगर आपने ओजोन लेयर पे MCQs की वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर विजिट करके आप उसको वॉच कर सकते हो, ओके, काफ़ी सारी वीडियोज़ का वहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो। फ्लोटिंग जनरेटर आर यूज इन दी सी टू हार्नेस, तो फ्लोटिंग जो जनरेटर होते हैं यूज़ किए जाते हैं सी में टू हार्नेस ऑफ टाइड एनर्जी, वेव एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम पावर प्लांट, तो क्या कौन सी एनर्जी यहाँ पे है, तो वो आपकी वेव एनर्जी होती है, ठीक है, फ्लोटिंग जनरेटर जिसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं टाइड वेव एनर्जी को। द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली, जो वन हाइड्रोजन एटम का अप्रोक्सीमेटली वो क्या हो सकता है, वेट मास क्या हो सकता है इसका, तो वो हो सकता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीडोमीटर ऑफ विच शोज वन ऑफ द फ्लोइंग, स्पीडोमीटर होता है जो व्हीकल का वो शो करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या एक्सीलरेशन करता है, एवरेज स्पीड करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड करता है, वेलोसिटी करता है, तो वो आपका करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है। ए वेव दैट हैज़ ए रिलेटिवली लॉन्ग वेव लेंथ विल आल्सो हैव ए रिलेटिवली, क्या होगी उसकी एक रिलेटिवली लॉन्ग वेव लेंथ होगी, इज आल्सो हैव ए रिलेटिवली हाई फ्रिक्वेंसी होगी, लॉन्ग पीरियड होगा, या फिर लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, हाई स्पीड होगी, तो उसका वो होगा आपका लॉन्ग पीरियड, ओके। वॉट इज मेंट बाई मार्बल कैंसर, दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको आ सकता है। ड्यू टू विच द ताजमहल इज बर्निंग टू येलो कलर, तो जिसकी वजह से ताजमहल का जो कलर है वो येलो हो रहा है, तो वो आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने बोला एस्टिक रेन विच क्रोट्स मार्बल, यानी कि क्रोट्स का मतलब होता है जो कि ख़त्म कर देना, ठीक है, जैसे किसी आपके वोल्ट को आयरन की थिंग्स है जिसको रस्ट वगैरह लग जाती है, तो एक टाइम पे वो क्रोट्स हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती है। होक्स लॉ रिलेटेड टू, होक्स का जो लॉ है वो रिलेट किससे करता है, वो आपका करता है ऑप्शन ए से, डिस्टेंस से स्प्रिंग स्टैचेस टू द फोर्स अप्लाई टू द स्प्रिंग, ओके। विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वान्टिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सी एक फिजिकल क्वान्टिटी ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेसिफाइड करती है स्पीड एंड डायरेक्शन को, टाइम, एक्सीलरेशन, मास, या वेलोसिटी, तो दोस्तों वो करती है आपकी वेलोसिटी, ओके, स्पीड और डायरेक्शन की स्पेसिफाइड करती है एक,
ठीक है, वेलोसिटी याद रखना, इजी क्वेश्चन है ये, मैंने पिछली वीडियो में इसका मैंने बताया था, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, डू कमेंट दिस आंसर, ओके, कि मोस्ट जो सोलर सेल होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवाए MCQs, तो 20 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आते होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मैक्सिमम जो 20 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है JKSSB की, उस तक ये सारी की सारी वीडियोस पहुंच सके। सो गाइस जैसा कि अब थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास, आपको पता है 9 से स्टार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम, और अब हम रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए हम वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, साइंस होगी, अब सब इंस्पेक्टर के टाइम पे हम जो रीजनिंग है उसको यहाँ पे उसी टाइप से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो सिलेबस वो सिस्टम वगैरह कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे इसके बाद अगर कोई सेक्शन मुझे मिला इसका तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। वो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें अगर आप JKSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, कल मुझे रात को एक कमेंट आया कि सर देखिए गाइस अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की तैयारी कर रहे हो, सीरियसली मेरी बात सुनना, लड़के का कमेंट आया, वो बोलता कि सर आपने 100 कहाँ से ले लिया। देखिए भाई क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं है, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि किसी दुकानदार ने पहले किसी वस्तु का यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का 25% रेट कम कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो किया फिर उसमें पता नहीं आई थिंक 20% उसको इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, याद रखना मेरी बात। फिर उसने बोला जो उसमें जो ये कम हुआ और ये बढ़ा उसमें कितने रेट की चेंजेस आई। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे मेंशन थी, शायद इसी तरह का क्वेश्चन था। सो गाइस मैंने आपसे बोला था, मैंने आपकी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको ये बोला था कि जब भी कोई परसेंटेज को मेजर करना है हमने, हमने सिर्फ 100 को लेना है। आप ऐसी बात नहीं है कि सर आप 100 क्यों ले रहे हो, वो लड़का उस एस्पायरेंट ने मुझे बोला कि सर आपने 100 क्यों लिया, 100 तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। भाई अगर आप देखोगे ना 100 में क्वेश्चन दिया तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं निकलेगा। मैंने किसी मेथड से नहीं करवाया, मैंने अपनी कॉमन सेंस से करवाया। अगर आप किसी और मेथड से कर रहे हो तो आपके लिए गुड है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है मेरा मेथड कॉपी करो, अब आपको क्वेश्चन मिल रहा है आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मेरा आंसर आपका आंसर सेम मैच नहीं करता फिर आप क्यों कर सकते हो। ठीक है, पहले आप अपने आप को श्योर करो, हम श्योर ही होके आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने उसको बोला कि 25% अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु का प्राइस, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस जो है वो 25% कम करता है। ओके, मैंने उसको बोला, यहाँ पे मैथ की क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी, रुकिए ज़रा। देखिए 25% कम किया यानी कि मैं मान लेता हूँ कि चीज़ का रेट जो था वो 100 रुपीज़ है, मैंने माना उस टाइम, उस लड़के को बोला, मैंने अज्यूम किया, अज्यूम करो 100 है चीज़ का, 25% कम कर दिया तो मेरे पास रेट आया 75, 75 रुपये की वो चीज़ बेची। फिर मैंने सोचा उसका 20% रेट बढ़ा दूँ, तो 20% बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 15 और ऐड कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, 90 हो जाएगा, तो वो बोल रहा है कि एक्चुअल में से कितना इनका रेट वो चेंज हुआ, तो आपको दिख रहा है कि 10 हुआ, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, मैच कर रहा है। ठीक है गाइस, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, आप अगर 1000 कर दो तभी भी आप कर सकते थे भाई, ये आपका 100% है, इसमें से 25% निकालो जितना आपका निकलता, 750 होता था। ठीक है, 750 होता था, ठीक है 750 होता था ना, तो बाकी आप इसको उसी तरह से कर ही सकते हो। आपको मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ 100 ज़ूम करो, आप 200 करो, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा जाता है कि 100 ही रोल प्ले करता है, तो आपने 100 को लेके ही चलना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं, अगर कुछ एस्पायरेंट्स हैं हमारे बहुत अच्छी समझ आ रही है उनको, कमेंट पे कमेंट करते हैं कि थैंक यू सर, जो चीज़ें कहीं से समझ नहीं आती आपके चैनल से समझ आती है, आप इंस्टाग्राम पर जाओ मेरी JK Practice पे, वहाँ पर चेक कर सकते हो कमेंट्स, आपको वहाँ पर ऐसे कमेंट मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने से कमेंट नहीं लिखता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही मत पढ़ो, ऐसी बात नहीं है कि मेरे जैसे पता नहीं कितने ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। अगर आपको समझ आ रही है आप देखो, नहीं आ रही तो छोड़ो चैनल को, हज़ारों चैनल हैं, एक नहीं तो किसी पे तो समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस के लिए आते हो तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखिए अगर आप सीधा जंप कर रहे हो 4th या 3rd लेक्चर पे, 1st और 2 लेक्चर वॉच नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरा स्टार्ट है, मेरा पढ़ाने का जो है तरीका है वो बेसिक टू हाई है। ठीक है, बेसिक टू हाई, अब मैंने ब्लड रिलेशन स्टार्ट करवाया, बच्चों के कमेंट आके सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बेसिक पढ़ाया, सिर्फ एक ही लेक्चर दिया जिसमें हमने बिल्कुल बच्चों जैसा पढ़ाया। अब मैं जब लो
लो लेवल के जो क्वेश्चन लेके आऊँगा वो बच्चे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, वो कौन से बच्चे को होंगे जिसमें उन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा, ठीक है। तो जिसको समझ आती है वो पढ़े, जिसको नहीं आती है वो मूव ऑन कर सकता है। तो इसमें मैंने कोई फोर्स नहीं किया, तो यहाँ तक है मुझे लगता है कि बच्चों को समझ आती है, ठीक है। अब 1 महीना पढ़ाई वीडियो पे आप कमेंट करोगे सर ये कैसे है, तो वो चीज़ें मुझे खुद पहले देखना पड़ेंगी मैंने पढ़ाया क्या है। कल मैंने उस वीडियो को रिवाइज़ करके देखा, तो मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ईजी था, वैसा ही क्वेश्चन क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। मैंने आपको बताया भी ऐसा क्वेश्चन आप इस तरह फार्मूले से ज़रूर कर लेना, ठीक है। परसेंटेज को हमेशा 100 के साथ मेजर करते हैं, याद रखना, और जो भी आप 100 कर सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि किसी चीज़ का रेट अगर 35% डिक्रीज़ किया जाता है, आप क्या ज्यूम करोगे कितने में से किया होगा? आप एक्स वाई वो वाले फार्मूले थोड़ी जमाना रहा है, ये तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के जरिए है, ये क्लास वाली क्लास थोड़ी चल रही है, पर स्कूल वाली क्लास से हो, एक्स प्लस वाई करोगे तो वही चीज़ें पढ़ेंगे, जब होंगी तो तब पढ़ेंगे। आपने अज्यूम करो आप 200 कर लो कि 200 में से 35% घट गया, आप 100 कर लो, आप 50 कर लो, जितना हो सकता है आप कर लो। तो आपको मैं आपको अगर एडवाइस दूँ अपने नॉलेज से, तो आपको 100 ही अज्यूम करना है, ठीक है। इसके लिए आपको आसानी होगी, क्योंकि परसेंटेज मैयर होती है 100 से। 35 को निकाल लोगे तो 65% ही बचेगा, तो 65 ही बचा आपका, सिंपल सी बात है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही, लेंथी हो जाएगी, तो कल बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो पे, इस वीडियो पे। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल।